bismillah welcome to fazil 2 model college for girls assalamu alaikum students i hope all of you are fine for the students of class 6 our subject is computer and lecture number 7 in the previous lecture we discussed about how to convert

उनको कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम में राइट कर सकते हैं उन्हीं नंबर्स को स्टूडेंट्स बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने ये डिस्कस किया था कि बाइनरी की बेस टू होती है और इट्स मीन के बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ सिर्फ हम ज़ीरो एंड वन को ही यूज़ करते हैं इसी तरह हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास उसकी बेस टेन है और डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो ज़ीरो टू नाइन नाइन लास्ट डिजिट होता है ज़ीरो टू नाइन हमारे पास जितने भी डिजिट्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में अब हम स्टार्ट करते हैं टू कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर टू अ डेसिमल नंबर वी यूज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस हेयर वी नीड टू इंट्रोड्यूस आर कॉन्सेप्ट ऑफ वेट्स स्टूडेंट्स हमने जब डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन की थी तो हमने उसके लिए रिपीटेड uh, मेथड या रिमाइंडर मेथड को यूज़ किया था ठीक है जो कि एल सी से मिलता जुलता मैथड है मैथ्स में आप जिस तरह एल करते हैं उससे रिलेटेड था हमारे पास डेसमल टू बाइनरी कन्वर्जन मेथड तो इसी तरह अब हम ये देखते हैं कि हमारे लिए बहुत आसान होता है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना ये कोई मुश्किल मेथड नहीं है और इसके लिए हम इंट्रोड्यूस कराएंगे वेट्स के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स आप क्लास सिक्स में हैं और आपको पता है कि हम यहाँ पे डिफरेंट uh, जो हैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे पास आते हैं पावर्स uh, के ठीक है पावर देना किसी भी नंबर की डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं तो ये यहाँ पे वेट्स का मतलब ये है कि हम एक नंबर के ऊपर जो पावर यूज़ करते हैं टू रेस टू पावर का जो हम रेस टू पावर का वर्ड यूज़ करते हैं वो वेट्स हम यूज़ कर सकते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास बाइनरी में जो हमारे पास बाइनरी की बेस जो टू है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इन टू के ऊपर हम वेट लगाते जाएंगे मतलब हम यहाँ पे टू की टू रेस टू पावर डिफरेंट नंबर्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स को हम यूज़ करते जाएंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ये इसको करेंगे सॉल्व टू रेज टू पावर ज़ीरो तो टू रेज टू पावर ज़ीरो स्टूडेंट वन होता है ये कुछ चीज़ें हैं जो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कन्वर्जन स्टार्ट करने से पहले इसी तरह अब हम देखते हैं कि अगर टू की पावर वन होता है तो वो क्या होता है जिसको हम कहते हैं टू रेज टू पावर वन और टू के ऊपर हम वेट लगा रहे हैं वन तो ये टू रेस्ट टू पावर वन इक्वल्स टू होता है टू इसी तरह टू रेस्ट टू पावर टू मीन्स फोर स्टूडेंट्स आपको पता है कि किस तरह हम टू रेस टू पावर वन को सॉल्व करते हैं अब अगर देखें आप यहाँ पे टू है और अगर टू की पावर वन यहाँ पे मेंशन है इट्स मीन टू को हमने एक दफ़ा लिख देना है ठीक है इसी तरह जो हमारे पास टू की पावर अगर टू है इट्स मीन आप टू को टू टाइम्स लिख दो two multiply two, तो two multiply two students पास क्या होता है, कि हम थ्री को मीन्स uh, हमने टू को थ्री टाइम्स लिखना है और मल्टीप्लाई करना है विच मीन्स टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू तो स्टूडेंट्स टू टू जा फोर एंड फोर टू ज़ा एट ओके टू रेस्ट टू पावर फोर मीन्स कि टू की जो पावर है वो फोर है इट मीन्स हमने टू को फोर टाइम्स लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा सिक्सटीन ये आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हो कि जब हम लिखते हैं टू रेस्ट टू पावर जीरो तो वो आंसर वन देता है इसी तरह टू रेस्ट पावर वन टू आंसर जनरेट करता है इस तरह टू टूरिस्ट पावर टू इक्वल्स टू फोर एंड देन टू टूरेस्ट पावर थ्री इक्वल्स टू एट टू टूरेस्ट पावर फोर इक्वल्स टू सिक्सटीन टू टूरेस्ट पावर फाइव इक्वल्स टू थर्टी टू टू टूरेस्ट पावर सिक्स इक्वल्स टू सिक्सटी फोर टू टूरेस्ट पावर सेवन इक्वल्स टू वन ट्वेंटी एट

टू डेसिमल नंबर सिस्टम स्टूडेंट अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे भी किसी नंबर और फिगर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम स्टार्ट विद राइटिंग पैरंथीसिस इन पैरंथीसिस वन वन जीरो वन जीरो को हम पैरंथीसिस में लिख करने के बाद हम इसकी बेस टू मेंशन करेंगे क्योंकि ये जो हमने फिगर लिखी है ये जो हमने नंबर लिखे हैं ये इन बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखें इसलिए इसकी बेस टू है इक्वल्स टू ठीक है हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इक्वल्स टू मैंशन करेंगे इक्वल्स टू देन हमने हर एक डिजिट को मल्टीप्लाई करना है टू के साथ तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास वन है तो इधर में देखिए हम सबसे पहले पैनथीसिस में मैंशन करेंगे वन मल्टीप्लाई टू पैनथीसिस प्लस पैनथीसिस ओपन क्या लिखेंगे अगला आप देखेंगे अगला डिजिट हमारे पास वन है अगेन तो यहाँ पे लिखेंगे वन मल्टीप्लाई टू पैरथिस क्लोज प्लस ब्रैकेट में आप देखें क्या लिखा हुआ है जीरो मल्टीप्लाई टू पैंतीसिस क्लोज प्लस वन मल्टीप्लाई टू पैंथीसिस क्लोज प्लस पैर ओपन जीरो मल्टीप्लाई टू पैरेसिस क्लोज तो so स्टूडेंट्स हमने क्या किया है कि हमारे पास ये जो फाइव डिजिट्स लिखे गए हैं वन वन ज़ीरो वन जीरो अब हम इनको इन फाइव डिजिट्स को सेपरेटली हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टू से मल्टीप्लाई करने से पहले हम इनको एक दफ़ा राइट करने के बाद हम इन टू के ऊपर जो बाइनरी डिजिट का हमारी बेस टू है इसके ऊपर हम वेट्स को मेंशन करना स्टार्ट करेंगे स्टार्ट हमेशा हम राइट right साइड से करेंगे अब हमने टू को यहाँ पे वेट्स देना शुरू करना है तो स्टार्ट करेंगे हम जीरो के साथ टू रेस्ट टू पावर जीरो या टू वेट उसका हम जीरो मेंशन कर देंगे इसी तरह टू रेज टू पावर वन देन टू रेस्ट टू पावर टू देन टू रेस्ट टू पावर थ्री देन टू रेस्ट टू पावर फोर आप देख सकते हो यहाँ पे फाइव डिजिट्स हैं लेकिन हमने पावर देना स्टार्ट की है जीरो से इसलिए जीरो फोर ये हमने टू के ऊपर वेट्स मेंशन कर दिए हैं इन द एग्जांपल वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स नंबर वन मल्टीप्लाई द फर्स्ट बाइनरी डिजिट वन इज अवर केस विद इट्स वेट टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू द वेट ऑफ द थिंग्स स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पे अब यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है और यहाँ पे आप देख सको वन मल्टीप्लाई टू रेस्ट पावर फोर है तो सबसे पहले हम टू रेस्ट टू पावर फोर को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास क्या बनता है टू को हमने फोर टाइम्स लिखना है तो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू देन उसका आंसर आने के बाद हम उसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे विध सिस्टम आर वी कन्वर्टिंग टू बाइंड्री इन अवर केस एज द नंबर टू सजेस्ट अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो पहला हमारे पास फर्स्ट बाइंड्री डिजिट वन था जिसको हमने वे टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाइट टू मल्टीप्लाइट टू के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमें जो हम डिजिट के ऊपर वेट लगा रहे हैं ये हमें क्या बता रहे हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि किस सिस्टम में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं नंबर्स को तो इस केस में हम बाइंड्री को कन्वर्ट करें डेसिमल में और उसके लिए हम टू को यूज़ कर रहे हैं हाउ मैनी नंबर्स आर लेफ्ट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द डिजिट विद इट्स वेट हेयर वेन द पावर ऑफ टू इज़ फोर वी गेट टू नो डैट देर आर फोर नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड तो स्टूडेंट जब हम लिखते हैं टू रेस टू पावर फोर तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम टू रेस टू पावर जो हमारे पास फ़ोर आई है वो हम उसको पहले उस टू डिजिट को हमने फोर टाइम्स लिखने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है जो हमारे पास नंबर्स मेंशन है उन डिजिट्स के साथ हमने टूरिस्ट पावर जो हमारे पास वेट आया है उसके आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा नंबर टू मल्टीप्लाई ऑल द अदर देयर विदेक्टिव वेट्स और इसी तरह हर डिजिट्स को उसके रिस्पेक्टिव वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है एट द रिजल्ट ऑफ द अबव स्टेप्स और जब हम हर डिजिट को उनकी वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट स्टेप इज कि हमने तमाम जो हमारे पास आंसर्स आए हैं उनको हम ऐड करेंगे ताकि हमारे पास एक टोटल रिजल्ट आ जाए कंसिडर दैम एग्जाम्पल इन नुमेरिकल फॉर्म अब स्टूडेंट्स हम नुमेरिकल फॉर्म में अंडरस्टैंड करते हैं कि जो अभी हमने चीज़ें एक्सप्लेन किए हैं उनको हम प्रैक्टिकली कैसे सोल्व करेंगे नुमेरिक फॉर्म में तो हम स्टार्ट करते हैं वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो ये हम पैनलिस में लिखा है जिसकी बेस है टू इट्स मीन कि ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसको हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है स्टार्ट करेंगे हमारे पास स्क्वेयर ब्रैकेट के साथ और स्क्वेयर ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं वन मल्टीप्लाई देन हमारे पास पैरथीसिस है टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू ये हम देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम ये देख रहे हैं कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे सबसे पहले टू मेंशन करें ठीक है यहाँ पे अगर आप सबसे पहले सिर्फ टू लिखें फिर हम इसको पहले एक दफ़ा सारे डिजिट्स को टू से हम मल्टीप्लाई करके लिख दें और देन अगेन फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसको वेट्स अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हम इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह आपकी बुक वालों ने मैंशन किया है वन मल्टीप्लाई टू आप मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू यहाँ पे ब्रैकेट और पेंथीसिस क्लोज प्लस फिर हम नेक्स्ट हर डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है उनकी वेट्स के साथ वन मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट पेंथीसिस टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू देन पेंथीसिस क्लोज प्लस अब आप देखें दोबारा हमारे पास स्क्वेयर ब्रैकेट है स्क्वेयर ब्रैकेट में हम क्या करें जीरो ये ज़ीरो जीरो मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू प्लस अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने वन मल्टीप्लाई टू करना है अब आप कहेंगे मैम इसके साथ आपने कुछ मेंशन नहीं किया तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हम टू की पावर वन लेंगे तो टू वन जा टू ही होता है इसे डायरेक्ट लिख दिया आपके बुक वालों ने अभी हम इसको एक और मेथड से भी सॉल्व करेंगे जो कि इस इजी मेथड है ताकि आपकी थोड़ी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी अगेन हमारे पास लास्ट डिजिट है जीरो जीरो मल्टीप्लाई टू रेस्ट पावर ज़ीरो हमने पढ़ा था टू रेस्ट पावर जीरो वन होता है इन्होंने डायरेक्ट वन लिख दिया है ओके देन वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो जिसकी पावर टू है एकवस टू वन मल्टीप्लाई सिक्सटीन अब आप देखिए पैराथीसिस में हम मेंशन कर रहे हैं वन मल्टीप्लाई सिक्सटीन और ये सिक्सटीन कहाँ से आया है ये जब हमने टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू किया है जिसका आंसर क्या आता है सिक्सटीन किस तरह आया है सिक्सटीन स्टूडेंट्स टू टू ज फोर फोर टू ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर दिया है वन मल्टीप्लाई सिक्सटीन पैंथिस क्लोज प्लस अब आप यहाँ भी देखो वन मल्टीप्लाई टू रेस्ट टू रेस्ट पावर थ्री मीन्स कि हम टू को थ्री टाइम्स अगर लिखें तो टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट यहाँ पर इस तरह एट आया है अब अगेन ज़ीरो मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू तो टू टू जा फोर अब अगेन देखें आप वन मल्टीप्लाई टू वन मल्टीप्लाई टू मैंशन कर दिए हैं इसी तरह जीरो मल्टीप्लाई वन मैंशन कर दिया है अब हम इन पैराथीजीज को सॉल्व करेंगे देन हम एडिशन कर सकेंगे वन मल्टीप्लाई सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस वन मल्टीप्लाई एट एट वन सा एट होता है इसलिए एट लिखेंगे जीरो मल्टीप्लाई फोर तो स्टूडेंट्स जीरो के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा तो ज़ीरो मल्टीप्लाई फोर जीरो प्लस वन मल्टीप्लाई टू वन टू ज़ा टू प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई वन ज़ीरो वन जा ज़ीरो स्टूडेंट्स अब हम इनको एडअप कर देंगे सिक्सटीन प्लस एट प्लस ज़ीरो प्लस टू प्लस ज़ीरो स्टूडेंट्स हम सिक्सटीन प्लस एट करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस ज़ीरो ट्वेंटी फोर प्लस टू ट्वेंटी सिक्स प्लस ज़ीरो ट्वेंटी सिक्स सो द आंसर इज वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो बेस टू इक्वल्स टू ट्वेंटी सिक्स बेस टेन इट मीन्स वन वन जीरो वन जीरो इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स इन डेसिमल नंबर सिस्टम तो हमने ये कन्वर्जन की है जिसमें हमने बाइंड नंबर सिस्टम में जो नंबर लिखे थे उनको हमने अब जब कन्वर्ट किया है तो अब हम देख सकते हैं कि ये वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो ट्वेंटी सिक्स नंबर के इक्वलेंट है जब हम बाइनरी में लिखेंगे तो वन वन ज़ीरो वन ज़ीरो लिखेंगे ट्वेंटी सिक्स को और जब हम डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखेंगे तो ईज़िली हम ट्वेंटी सिक्स मैंशन करेंगे और लास्ट में आप देख रखें देखते हैं कि हमने दो नंबर एक ही नंबर हैं लेकिन जब हम डिफरेंट नंबर सिस्टम में लिखते हैं तो उनका लिखने का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है जिस तरह ट्वेंटी जिस तरह मैथ्स में ट्वेंटी सिक्स लिखते हैं लेकिन बाइनरी में ट्वेंटी सिक्स को किस तरह लिखा जाता है वन वन जीरो वन जीरो स्टूडेंट्स ये अब हम एक, एक, एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हम अपने नंबर को जो बाइनरी नंबर सिस्टम में जो हमने नंबर लिखे हैं उसको कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम राइट कर सकते हैं फाइंड द डेसिमल इक्वलेंट फॉर बाइनरी वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन तो स्टूडेंट्स हम कैसे डेसिमल इक्वलेंट लिख सकते हैं किसी भी बाइनरी नंबर को हम डेसिमल इक्वलेंट कैसे बना सकते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर मेंशन uh, किया गया है हमें जिसमें सिर्फ हम देख सकते हैं वन एंड जीरोस को यूज करके नंबर लिखा गया है अब इसको लिखने का सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन करना है देन हम स्टार्ट करेंगे वन मल्टीप्लाई टू प्लस बीच में हमारा प्लस का साइन जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस वन मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू देन प्लस वन मल्टीप्लाई टू स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है अब हमने राइट right साइड से टू के ऊपर वेट्स लगाना शुरू कर देना है टू के ऊपर हम टू रेस्ट टू पावर जीरो टू रेस्ट पावर वन देन टू रेस्ट पावर टू देन टू रेस्ट पावर थ्री देन स्टूडेंट्स टू रेस्ट टू पावर फोर एंड देन टू रेस्ट टू पावर फाइव स्टूडेंट्स अब हमने टू रेस्ट टू पावर फाइव को पहले सॉल्व करेंगे उसको सोल्व करने का मेथड क्या है स्टूडेंट्स हमने टू को फाइव टाइम्स लिखना है और देन हमने उसको मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने वन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो स्टूडेंट्स टू रेज टू पावर फाइव इक्वल्स टू थर्टी टू एंड थर्टी टू प्लस वन थर्टी टू मल्टीप्लाई वन टू थर्टी टू प्लस अब हम नेक्स्ट डिजिट को टू के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले उसकी हम टू रेस्ट टू पावर फोर को सॉल्व करेंगे टू रेस्ट टू पावर फोर मीन्स राइट टू फोर टाइम्स एंड देन मल्टीप्लाई इट टू रेस्ट टू पावर फोर इक्वल्स टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू सो द आंसर इज सिक्सटीन बट मल्टीप्लाई सिक्सटीन विद ज़ीरो सो द आंसर इज जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई टू टू पावर थ्री टू रेस्ट टू पावर थ्री मीन्स राइट टू थ्री टाइम्स एंड देन मल्टीप्लाई एट टू टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू 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 टूजा फोर एंड फोर टू जा एट एंड एट मल्टीप्लाई ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो स्टूडेंट जीरो के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा इसलिए यहाँ पर टू रेस्ट पावर थ्री जो एट हमारे पास आंसर आएगा जब हम उसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे The answer is 0. 1 multiply 2 raised to power 2. 2 raised to power 2 is equivalent to 4. And 4 multiply 1 equals to 4. Plus 0 multiply 2 raised to power 1. 2. And 2 raised to power 1 equals to 2. But 2 multiply 0 equals to 0. Plus. One multiply two raised to power zero. Two raised to power zero is one, and one multiply one equals to one. Then students thirty two plus zero plus zero plus four plus zero plus one is equal equal to thirty seven, which means one zero zero one zero one. क्वल टू थर्टी सेवन नंबर इन डेसिमल नंबर सिस्टम तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कैसे हम बारह नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स फॉर योर होमवर्क एक्टिविटी यू हैव टू कन्वर्ट दीज फिगर्स ऑन योर रफ नोटबुक ओके स्टूडेंट्स Convert the following figures from binary to decimal. Part 1 11, 11, 11, Number 2 000, 11, Number 3 11, Students, I hope you understand the lecture. Revise this topic and also write, practice these questions on your rough notebook okay students take care allah hafiz